जय हिंद एवरीवन। तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड एंगल सी। तो हेयर इट इज गिवेन अ फिगर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यहाँ पे 6.14 जो फिगर नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज 6.2 1 का। और ये लाइंस एंड एंगल ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल का है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये फिगर से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया गया है लाइंस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई लाइन दिया गया है एंड एम एन, और एम एन यहाँ पे दिया गया है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ तक हो गया। इफ पी ओ वाई एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर यहाँ पे आप लोग को ये 90 डिग्री दिया गया है, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, और यहाँ पे ए और बी की जो रेशियो दी गई है, यहाँ पे ये भी बी भी एंगल है और ए भी एंगल है, तो इन दोनों एंगल की रेशियो जो दी गई है वहाँ पे दी गई है 2:3, और यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है सी एंगल सी, यानी कि एंगल सी ये आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आप लोग को लीनियर पेयर से, मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूँ कि ये आप लोगों को ये सॉल्व करते समय आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखना होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन में आप लोग क्या लिखना है कि एक्स वाई एंड एम एन इज अ लाइन, राइट। यहाँ पे आप लोग को एक्स वाई एंड एम एन लाइन दी गई है, ठीक है, और इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और एंगल ये फर्स्ट था आप लोग का, ये सेकेंड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और यहाँ पे थर्ड क्या दिया गया है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, राइट। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हम लोग को, एंगल सी, राइट। तो एंगल सी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी की रेशियो निकालेंगे। तो लेट ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, राइट। अब ऐड बोथ रेशियो, ये आप लोग को जो भी कंटेंट दिख रहे हैं ये आप लोग को मैंडेटरी है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ऐड बोथ रेशियो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2:3 क्या हो जाएगा आप लोग का 5x, यहाँ पे 5x, और यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, किसके थ्रू हुआ है यहाँ पे, लीनियर पेयर से आप लोग का 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, यानी कि 5x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/5 इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे 18 आप लोग का क्या हुआ, x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल एक्स ओ एम, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिंस एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2x, तो यहाँ पे आप लोग क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 18, देन 18 × 2 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा कि नहीं, यस आ जाएगा। एल एक्स ओ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो गया आप लोग का, सॉरी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3x दी गई है, यहाँ पे 3x, राइट। तो बी की वैल्यू क्या दी गई है, 3x, तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा, 3x एक्स इज इक्वल टू 18 एंड 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। कोई अंतर नहीं था, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे दिया गया है 2x, तो यहाँ पे आप लोग का एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 18, तो यहाँ पे आप लोग का जो देन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 18 इज इक्वल टू 36, राइट। तो यहाँ पे आप लोग का 36 आ गया। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी अगर लाइन स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे आप लोग का 180 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 ऑलरेडी दिया गया है, और यहाँ पे 54 और प्लस 36 क्या हो जाएगा आप लोग का, 6 एट 4 इज इक्वल टू 10
एंड 5 3 इज इक्वल टू 8 एंड 1 इज इक्वल टू 1 ऐड कर देंगे वहाँ पे तो 90 आ जाएगा। तो यानी कि 90 90 180, यानी कि हम लोग का ये जो सोल्यूशन है वो सही है। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, ए और बी की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे हम लोग को मिल गई है। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और दिख रहा होगा कि एम और एन क्या है, आप लोग का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक यहाँ पे सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एम और एन, तो बी की वैल्यू क्या है, बी सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, सिंस एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे आप लोग का, बी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, जो एक्स ओ एम, एक्स ओ एम की वैल्यू यहाँ पे 54 आई है। ठीक है, 54, तो यहाँ पे एंगल एक्स ओ एम, एक्स ओ एम प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ओ एन, एक्स ओ एन एंगल 180 डिग्री होगा कि नहीं, लीनियर पेयर से। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग को लीनियर पेयर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लीनियर पेयर से 180 डिग्री आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स ओ एम हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, एक्स ओ एम क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, 54 डिग्री। ठीक है, तो 54 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, 54 डिग्री एल एक्स ओ एन, ठीक है, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी, तो एंगल सी क्या हम लोग का एक्स ओ एन, तो एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 माइनस 54 क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, 180 में से माइनस कर देंगे 54, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा 126। ठीक है, 126 यहाँ पे 10 में से माइनस करेंगे हम लोग क्या, 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 माइनस कर देंगे क्या आएगा 2, यहाँ पे 1 ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, तो 126 यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एंगल सी का, यहाँ पे एंगल सी फाइंड आउट करना था तो आप लोग को यहाँ पे 126 मिल गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना था कि ये जो एंगल बी और ए की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि जो कि रेशियो में दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल के और यहाँ से आप लीनियर पेयर से कर सकते थे। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका था, और सारे बहुत तरीके हैं इसके। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक्स ओ एम दिया गया है, 54 डिग्री दिया गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आप लोग लीनियर पेयर से दोनों को निकालते हैं, एक्स ओ एम प्लस एक्स ओ एन, ये एंगल में है, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लोगों को एक्स ओ एम की जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए थे पहले ही, 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर से 180 में से माइनस कर देंगे उसको, तो एंगल एक्स ओ एन जो कि एंगल सी के बराबर है, तो वहाँ से आप लोगों को एंगल सी मिल जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और ऐसे ही हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और इसके आगे वाले वीडियोस की जो लिंक दी गई है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आप लोगों को उसमें डाउट है तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और आई थिंक ये वीडियोज आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों के मोबाइल पर सबसे पहले जाए या फिर लैपटॉप पर जो भी, और वहाँ से आप लोग सबसे पहले वीडियोस को देख पाएं। तो आई थिंक आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को जो भी हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू।